إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون محترم بزرگان دین نوجوانان اسلام پردہ نشین خواتین اسلام ہر طرح کی بزرگی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا اور تنہا ساری کائنات کی ساری ہی مخلوقات کا محافظ ہے اور نگران ہے اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین حاضرین جمعہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جو میں کھڑا ہوا ہوں آج کے اس مختصر وقت میں اس وقفے میں جس موضوع کے تحت میں گفتگو کرنے کے لیے وہ موضوع ہے جس کا تعلق ہماری آپ کی زندگی سے بڑا گہرا ہے خصوصاً وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں موضوع اور ٹاپک یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کے کچھ رہنما اصول یعنی ازدواجی زندگی کو کیسے پرسکون بنایا جا سکے اور اس زندگی کے اندر جو آپسی انتشارات اور اختلافات ہوتے ہیں اس کی وجہیں کیا ہوتی ہیں ان چیزوں کو آج ہم اور آپ معاشرے کے اندر بہت زیادہ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لہذا اسی موضوع سے متعلق قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہمارے سامنے
अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई है उसकी वजाहत मैं इंशाअल्लाह करने की मैं कोशिश करूँगा। मेरे भाइयों, अभी आपके सामने मौजू की वजाहत की गई और आप और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर मियां बीवी का जो रिश्ता है ये बड़ा मुकद्दस और बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक रिश्ता हकीकत में आप देखेंगे तो एक गिफ्ट है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इंसानों के लिए, और इस रिश्ते की अहमियत को समझने के लिए, जानने के लिए ये बात कहनी काफ़ी होगी कि ये दुनिया का वो पहला रिश्ता है, इस रूए ज़मीन का ये वो पहला रिश्ता है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए इस रिश्ते की शुरुआत की थी, यानी मियाँ और बीवी का रिश्ता। जिस रिश्ते की शुरुआत हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से हुआ, ये वो रिश्ता है कि इस रिश्ते में एक बार बंधन बंध जाने के बाद, ईमान शर्त है, ईमान की बुनियाद पर मरने के बाद मौत भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करता है, बल्कि मियाँ बीवी जन्नत के अंदर भी मरने के बाद मियाँ बीवी बन करके रहेंगे, ईमान शर्त है। ये वो रिश्ता है, ये वो मुकद्दस रिश्ता है मेरे भाइयों, जिस रिश्ते को समझने के लिए बात काफी है कि ये रिश्ता जन्नत तक चलने वाला रिश्ता है। ये वो रिश्ता है जो सिर्फ वक्ती तौर पे खत्म नहीं होता है, बल्कि ये रिश्ता अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल और उसके एहसान से जन्नत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रिश्ते को बरकरार रखेगा, कायम रखेगा मेरे भाइयों। लिहाजा आप दुनिया के अंदर जितनी भी रिश्तेदारियां आप देखते हैं वो सारी की सारी रिश्तेदारियां इसी रिश्ते के बाद वजूद में आया है। लिहाजा मियाँ बीवी का रिश्ता समाज और मुआशरे के अंदर जिस कदर मजबूत होगा उससे निकलने वाले दूसरे रिश्ते उसी कदर मजबूत होंगे। क्यों? इसलिए कि मियाँ बीवी का ये रिश्ता जो है जड़ की हैसियत रखता है। जड़ जिस चीज़ का जितना मजबूत होगा ऊपर का हिस्सा उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, और मियाँ बीवी के रिश्ते में जिस कदर नाचाकी होगी, दूरी होगी, इख्तलाफात होंगे, इंतशारात होंगे, ख़ानदान के सारे ही रिश्ते इससे मुतासिर होते हैं और सारे ही रिश्तों के अंदर प्रॉब्लम्स और परेशानी की शुरुआत होती है। लिहाजा आप देखिए, दादा नाना का रिश्ता ये इस रिश्ते के बाद ही वजूद में आया, चाहे माँ बाप का रिश्ता हो इस रिश्ते के बाद ही वजूद में आया ये रिश्ता, मियाँ बीवी के रिश्ते के बाद ही सारे रिश्ते वजूद में आए। जितने भी रिश्तेदारियाँ हैं आप उनके ऊपर गौर करके देखिए, इसके बाद ही तमाम रिश्ते दुनिया के अंदर वजूद में आए, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे चचा भतीजे का रिश्ता हो, चाहे मामू भांजे का रिश्ता हो, चाहे खाला भांजी का रिश्ता हो, यानी जितने भी रिश्ते हैं उन तमाम रिश्तों में एक एक रिश्तों के ऊपर आप गौर करके आप देखिए कि तमाम रिश्ते मियां बीवी के रिश्ते के बाद ही दुनिया के अंदर वजूद में आया। तो लिहाजा मियां बीवी का जिस कदर ताल्लुक बेहतर होगा वो खानदान, वो घराना, वो माहौल उतना ही पुरसुकून होगा, और इसके अंदर जिस कदर कमजोरी होगी इस रिश्ते के अंदर, वो खानदान, वो माहौल, वो समाज, वो सोसाइटी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार होगा। आपको मालूम होनी चाहिए कि इस रिश्ते के अंदर शरीयत ने कितनी गुंजाइश रखी है, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है आपको मालूम होनी चाहिए कि शरीयत ने इतनी गुंजाइश रखी है, ये प्यार और मोहब्बत का वो रिश्ता है जिसकी मिसाल इंसान नहीं दे सकता है, जिसके अंदर प्यार और मोहब्बत की पाकीज़गियत होती है, उल्फत और हमदर्दी की समझिए एक अपनी मिसाल होती है। लिहाजा इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने कितनी वसात रखी है आपको मैं एक दो बात मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। यहाँ तक कि अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शरीयत कहती है कि शौहर उसको गुस्ल दे सकता है, अल्लाह अकबर, और अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी उसको गुस्ल दे सकती है, इतनी वसात शरीयत ने इस मामले में रखी है।
आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों के दरमियान गलत रस्म व रिवाज है कि जैसी अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शोहर को देखने नहीं दिया जाता, कहा जाता रिश्ता ख़त्म हो गया, हराम हो गया, वलियाज़ु बिल्लाह। ऐसे रसूमात जो हैं जिसका दीन और शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, बहुत सारे इलाकों में रिश्ते ये रस्म व रिवाज चलते हैं, बीवी मरने के बाद शोहर को नहीं देखने दिया जाता है। कितनी अफसोस की बात है ये, जबकि शरीयत ये कहती है कि मरने के बाद भी ये रिश्ता ख़त्म नहीं होता है बल्कि रिश्ता बाकी रहता है। आपको दलील के तौर पर मैं बताऊंगा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जब इंतकाल हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुस्ल दिया था, और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो उनकी बीवी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अबू बकर को गुस्ल दिया था। यानी कितनी वसात शरीयत ने इस मामले के अंदर रखा है। बल्कि कुरान को जब हम पढ़ेंगे तो कुरान मजीद तो ये कहता है कि कल मियाँ बीवी जन्नत के अंदर अगर आला मकाम पर होंगे, जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मियाँ बीवी को फाइज करेगा, मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करेगा, और उनके बच्चे अगर जन्नत में उनसे नीचे मकाम पर होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उन मियाँ बीवी के बच्चों को भी उनके मकाम से मिला देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और जन्नत के अंदर वैसे रहेंगे जैसे वो दुनिया के अंदर रहा करते थे, जन्नत के अंदर वैसे ही रहेंगे जैसे दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों को याद करते थे। कुरान मजीद बयान करता है कि जन्नत में जाकर ये पूरी फैमिली ईमान की बुनियाद पर एक साथ होंगे और दुनिया की ज़िंदगी को याद कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हम दुनिया के अंदर जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह से हम कितना पनाह तलब करते थे, अल्लाह की जन्नत का हम कितना सवाल करते थे। शरीयत ने हमको ये तालीम दी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तूर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का जिक्र करते हुए आयत नंबर 21 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि वल्लदीना आमनु वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, कि हम ईमान वालों को उनकी ज़ुर्रियत यानी उनकी औलाद को जन्नत में एक मकाम पे जमा करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं जन्नत के अंदर उनकी फैमिलियां जो ईमान की बुनियाद पर, ईमान पर उनका मौत हुआ है, तौहीद पर उनका खातिमा हुआ है, अल्लाह ताला उन तमाम को एक फैमिली बना के अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर जमा करेगा। कितनी बड़ी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कही मेरे भाइयों। तो लिहाजा जिस कदर जैसे कि आपके सामने बयान किया कि ये रिश्ता मजबूत होगा, आगे का रिश्ता उस कदर आसान और बेहतर होता है, लिहाजा आज जब हम समाज और मुआशरे को हम देखते हैं तो हमारे समाज और मुआशरे के अंदर इस रिश्ते को ना समझने की वजह से या दीन और शरीयत का ना इल्म होने की वजह से या इल्म होते हुए अमल ना करने की वजह से आज हम देखते हैं शादी विवाह कितने प्यार मोहब्बत से होते हैं और 6 महीने साल भर 2 साल के अंदर समझिए तलाक और खुला तक मामला चले जाता है, लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, शिकवे शिकायत की नौबत आ जाती है, कोर्ट कचहरी तक इंसान पहुंच जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे अहम वजह यह है कि दीन और शरीयत को हमने समझा नहीं, या औरत अपने शौहर को समझने की जो शरीयत ने तालीमात दी है उन चीज़ों को उन्होंने नहीं समझा, या मर्द औरत की क्या कमज़ोरी होती है और किस तरह से उसको ज़िंदगी में एडजस्ट करके चलना है इन चीज़ों को वो नहीं जानता है, बीवी के हुकूक क्या है उसको वो नहीं जानता है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात पैदा होते हैं और सारे मामलात जो है समाज और मुआशरे में हमको आपको देखने को मिलता है। आपको मालूम होनी चाहिए कि एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर तलाक और खुला की सबसे कम शरह अगर दुनिया के अंदर पाई जाती है तो वो मुल्क है मलेशिया का, मुल्क मलेशिया के अंदर सबसे कम शरह है तलाक की, पूरी दुनिया का ये सर्वे मैं आपको बता रहा हूं। अब मलेशिया के अंदर सबसे कम तलाक और खुला की शरह क्यों पाई जाती है, उसके पीछे रीज़न बताते हैं। उसका रीज़न ये है कि मलेशिया के अंदर ये सिस्टम है कि पूरे इलाके के अंदर मिसाल के तौर पर जिन नौजवान लड़के लड़कियों की शादियां होने वाली होती हैं, शादी का डेट फिक्स होता है या शादी के एंगेजमेंट होते हैं, जो भी होते हैं, तो बाकायदा तौर पर लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग यानी इस दिवाजी ज़िंदगी के मौजू पर वर्कशॉप रखे जाते हैं, एक नहीं दो नहीं कई कई वर्कशॉप रखे जाते हैं, और उस वर्कशॉप के अंदर बाकायदा तौर पर उस ट्रेनिंग के अंदर मर्दों को बताया जाता है औरतों की कमज़ोरी,
जो तजरीबाकार एक्सपर्ट लोग होते हैं वो उनके सामने बयान करते हैं। औरतों में से जो एक्सपर्ट हैं वो बयान करती हैं कि मर्द अगर गुस्सा करे, उनकी तबीयत में अगर कुछ कमी बेशी हो, तो एक औरत को, एक बीवी को कैसे एडजस्ट करना चाहिए। तो बाकायदा तौर पर इस मौजू पर उन्हें ट्रेंड किया जाता है। शादी से पहले ज़िंदगी गुजारने, यानी शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे कैसे मराहिल और कैसे कैसे कठिनाई से गुजरना पड़ता है, वो सारी चीज़ें वर्कशॉप के जरिए से उन नौजवानों को तैयार किया जाता है, जिसकी बुनियाद पर वहां पर तलाक और खुला की जो परसेंटेज है हमको देखने को बहुत कम मिलता है। आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर क्या है, इन तमाम चीज़ों पे बात ही नहीं होता है। मिंबरों मेहराब से गुफ्तगू तक नहीं होती है, कभी कभी होती है, और अगर होती भी है तो कौन सुनता है। इस तालीम की कमी, दुनिया की बड़ी बड़ी तालीमें हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन इन चीज़ों में हम जीरो हैं। इन चीज़ों में, यानी तालीम ना होने की वजह से आज हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे घराने में चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर, चंद सालों के अंदर रिश्ते टूट जाते हैं, और देख करके समाज और माशरे में कितनी दुख और तकलीफ होती है इस बात को, इस माहौल को। लिहाजा इसकी वजह से आप देखेंगे कि दूसरी जगहों पर इसकी परसेंटेज बढ़ रहा है। तो आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस सहीहा के अंदर और ख़ुद कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने मियां बीवी के मामले पर बड़ी तफसीली तौर पर गुफ्तगू की है, बड़ी तफसीली तौर पर गुफ्तगू की है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि ये रिश्ता जो है सबसे अहम रिश्ता है। तो इसके कुछ उसूल हैं जो मैं अपने वक्त के हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये मौजू तो बहुत तवील मौजू है, बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन अहम और बुनियादी पॉइंट की तरफ मैं आपको इशारा करने की मैं कोशिश करूँगा कि आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर हम सबसे पहली बात जो है इस ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, अज़्दवाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, वो ये है कि रिश्ते के इंतखाब में हम दीनदारियत को तरजीह दें। जब हम निकाह के लिए रिश्ता तलाश करते हैं, जब हम निकाह के लिए लड़का या लड़की दोनों की तरफ से जब रिश्तेदारी की तलाश होती है, तो सबसे पहले दीनदारियत को तरजीह दी जाए। शरीयत ने कहा कि ठीक है, निकाह के वक्त आदमी को, शादी के वक्त इंसान को चार बातों का ख्याल करना चाहिए, हसब व नसब हो, माल हो, खूबसूरती हो। ठीक है, तुम माल को भी देखो, खूबसूरती को भी देखो, लेकिन सबसे अहम चीज़ तुम्हारी नज़र के अंदर क्या होना चाहिए, दीनदारियत होनी चाहिए। अगर माल और दौलत है ये वक्ती चीज़ है, हुस्न है ये वक्ती चीज़ है, लेकिन दीनदारियत नहीं है, ऐसे रिश्ते को तरजीह मत दो, ऐसे रिश्ते को तरजीह मत दो। दुनिया की खूबसूरतियत है कोई बात नहीं है, लेकिन दीनदारियत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन खूबसूरती के साथ अगर दीनदारियत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फज़फ़र बिज़ात दीन, दीन को अगर तरजीह दोगे, दीन को अगर मुकद्दम रखोगे, तो ऐसे रिश्ते में, ऐसी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको मालूम होनी चाहिए कि हजरत अब्दुर्रहमान सहाबी रसूल अल्लाह अकबर, वो कहते हैं कि मुझे आज सबसे ज़्यादा इस बात पर खुशी है कि मैंने अपने बहन का रिश्ता या मैंने अपनी बहन का निकाह बिलाल हबशी रदी अल्लाह अनु से किया। अल्लाह अकबर, बिलाल हबशी कैसे थे, काले कलोटे थे। अल्लाह अकबर, किसी ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नसब नामा, यानी तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर, इस्लाम मेरी पहचान है। किस कदर काले कलौटे हजरत बिलाल थे, लेकिन दीनदारियत और उनकी मिसाल और उनकी अजमत और उनकी शान ये थी कि ज़मीन पे चलते थे तो उनके चलने की आवाज़ जन्नत में सुनाई देती थी। अल्लाह अकबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए थे तो आपके आगे चलने की आवाज़ आ रही थी, जिब्रील अमीन ने बताया कि ये बिलाल के चलने की आवाज़ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो कहा अल्लाह के रसूल कोई दूसरा अमल नहीं, बस जब भी वजू करता हूँ तो दो रकात नफिल नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दीनदारियत को तरजीह दो जिंदगी के अंदर। लड़के का मामला है, एक लड़का बेदीन है, बदअकीदा है, शिर्क व खुराफात में घराना डूबा हुआ है, ऐसे घराने में अपनी बेटियों का निकाह ना करो। एक लड़की है, बहुत खूबसूरती है, बहुत आला घराना है, माल और दौलत है, सब कुछ है, लेकिन दीनदारियत नहीं है, बेपर्दगी है और दीन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, घराना बेनमाजी है, शिर्क व खुराफात में, ऐसे घराने की बहू अपने घरों के अंदर मत लाओ।
मत लो, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि शादी विवाह करते हुए अगर तुम्हारे पास कोई दीनदार रिश्ता आए, चाहे लड़का या लड़की की तरफ से, लेकिन दुनियावी एतबार से उनका कोई नाम नहीं है, कोई आला मकाम नहीं है, लेकिन दीनदारियत में वो लोग मिसाली हैं, दीन के मामले में बहुत अच्छे हैं, अगर तुमने ऐसे रिश्ते को रिजेक्ट किया तो याद रखो कि ज़मीन के अंदर फसाद बरपा हो जाएगा। आज हम सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ को देख करके उछल जाते हैं, आज जाहिर को देख करके हम सारा काम करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, अपने बच्चे अपने औलाद का शादी विवाह करते हुए खुसूसन इंतखाब के वक्त जो है, सिलेक्शन के वक्त जो है, दीन को तरजीह दो, दीनदारियत को तरजीह दो, ईमान और अकीदे को तरजीह दो, और किस घराने के अंदर अखलाक और किरदार सबसे अच्छे हैं उसको तरजीह देने की कोशिश करो। और दूसरी बात ये भी है कि एक इंसान निकाह करने से पहले, देखो एक आदमी पहली सफ का पाबंद है तो इसका मामला, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ में वो सही होगा। उसकी दीनदारियत को तुमने मस्जिद में पहली सफ में देखी, लेकिन उसकी पर्सनल और उसकी अंदर की जो मामलात की ज़िंदगी है, बाहर की ज़िंदगी में उसको तलाश करो, उसको तहकीक करो। और आदमी को ऐसे वक्त में इस्तिखारे का भी सहारा लेना चाहिए। इस्तिखारा बहुत ज़रूरी सी चीज़ है। सहाबे किराम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा ऐसे सिखाया करते थे जैसे कुरान मजीद की सूरतें सिखलाया करते थे। तो लिहाजा इतना बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर इस्तिखारा बहुत ज़रूरी सी बात है ऐसे मामले के अंदर, क्योंकि एक दिन दो दिन का मामला नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी निभाने का हम अहद पैमान करने जा रहे हैं। और जिस वक्त समझिए एक लड़का भरी महफिल के अंदर कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस रिश्ते को कबूल किया, तो उसके बाद से ये रिश्ता और ये जिम्मेदारी मरने के बाद तक, यानी ईमान की हालत में अगर वो दुरुस्त है तो ये रिश्तेदारी बाकी रहती है, ये जिम्मेदारी बाकी रहती है। तो लिहाजा सबसे पहली बात ये है कि बाकायदा तौर पर ज़िंदगी के अंदर जो है हम इस चीज़ को, यानी दीनदारियत को, रिश्तेदारी को, इन तमाम चीज़ों को करते हुए दीनदारियत को हम तरजीह दें। दूसरी बात जो ये है कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत जो है बाकायदा तौर पर दुआओं के ज़रिए से हम करें। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत जो है दुआओं के ज़रिए से, नमाज़ों के ज़रिए से हम करने की कोशिश करें, अज़्दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह मुस्तआन कामयाब होगी। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आप देखिए, जब एक लड़का और लड़की का निकाह होता है, निकाह होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया, कहा कि जब लड़का लड़की के करीब जाता है तो सबसे पहले लड़का लड़की के सर पर, पेशानी पर हाथ रख कर के दुआ पढ़े। सही दुआ है, कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा, अल्लाह मैं तुझसे, ये अल्लाह तेरी मखलूक है ये भी औरत, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ इसके अंदर जो खैर है, भलाई है परवरदिगारा, और मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ इसके अंदर जो शैर शर है या बुराई है या कोई और चीज़ है जिससे मुझे नुकसान हो सकता है परवरदिगारा, मैं उससे पनाह चाहता हूँ। देखिए तो ज़िंदगी की इब्तिदा जो है इंसान दुआओं से करे, और नफिल दो रकात नमाज के ज़रिए से इंसान अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करे। जिस ज़िंदगी के अंदर नमाज हो और जिस ज़िंदगी के अंदर दुआ हो, अल्लाह तबारक व ताला उस ज़िंदगी को कभी नाकाम नहीं करता है। अल्लाह तबारक व ताला ने क्या कहा, वस्तईनू बिस्सब्री वस्सला, नमाज के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद तलब करो। तो लिहाजा ज़िंदगी की शुरुआत बाकायदा तौर पर नमाज और दुआओं के ज़रिए से होनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में ये ज़िंदगी क्या है, बेहतर ज़िंदगी होती है। उसके बाद दूसरा एक अहम पॉइंट जो है वो ये है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरों के ऊपर एतमाद और भरोसा करें, एतमाद और भरोसा। अगर एतमाद ना हो, भरोसा ना हो, यकीन ना हो एक दूसरे के ऊपर, तो वो ज़िंदगी भी जहन्नुम बन जाती है। अगर शौहर बीवी के ताल्लुक से बदगुमान हो जाए, बात बात पर या छोटी छोटी चीज़ों पे बीवी पे शक करता है, वो ज़िंदगी भी मियाँ बीवी की बर्बाद हो जाती है। या बीवी अपने शौहर की हर छोटी छोटी चीज़ पे शक करता है, बदगुमानी करता है, तो ऐसी सूरत में वो ज़िंदगी भी जहन्नुम बन करके रह जाती है। इसलिए शरीयत ने कहा कि एक दूसरे के ऊपर यकीन होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर इस रिश्तेदारी के अंदर यानी शक व शुबा नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होनी चाहिए कि शरीयत ने हमको ये भी कहा है कि बदगुमानी के जो हालात हैं उससे अपने आप को बचाओ, उससे अपने आप को बचाओ, बदगुमानी का मौका मत दो,
मिसाल के तौर पर आज एक इंसान है जो रात को 1 बजे 1.5 बजे 2 बजे अपने घर को आता है। अब जाहिर सी बात है कि किसी औरत को खातून को शक होगा कि भाई आप इतनी इतनी रात तक कहाँ रहते हो, आप मत मौका दो, बेकार आप दोस्तों के साथ इधर उधर गप शप हाँकते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, वो वक्त पर आकर अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारो। शरीयत हमको ये तालीम देती है। आपको मालूम होनी चाहिए कि बदगुमानी कितनी खतरनाक चीज है जिससे पूरा घराना उजड़ जाता है, वीरान हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जिंदगी के अंदर शक के ऐसे मौके पैदा नहीं होने दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में बैठे हुए थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए अजवाज मुतहरात में से आपकी बीवी हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा आपके पास मिलने के लिए आती है, मुलाकात करने के लिए आती हैं। रात के वक्त में मस्जिद नबवी के गेट पर खड़े होकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं अपनी बीवी से। रात का मौसम है, अंधेरा वक्त है, अंधेरे हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं। इतने में हुआ ये कि थोड़ी दूर पर से दो सहाबी का गुजर हो रहा था, दो सहाबी गुजर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी उन पर नज़र पड़ी, फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुखातब करके, उन्हें आवाज़ देकर, खिताब करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुनो, ये मेरी बीवी सफ़िया है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसी बात कर रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके बारे में कोई गलत गुमान करेंगे, गलत हम आपके बारे में सोच सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे पीछे जो शैतान है ये तुम्हारे अंदर इस तरह के ख्यालात पैदा कर देगा, इसलिए मैंने इस बात की वजाहत कर दी। तो मेरे भाइयों, आज कितने मियां बीवी हैं जिनकी जिंदगियाँ सिर्फ आपस में एक दूसरे पर शक की बुनियाद और शक की वजह से उनकी जिंदगियाँ तलाक और खुला तक पहुँच गई हैं। शक की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ, लड़ाई झगड़े की नौबत यहाँ तक आ गई, महीनों महीनों गुजर जाते हैं, आपस में बातचीत तक नहीं, गुफ्तगू तक नहीं आपस में। ऐसी कितनी जिंदगियां और ऐसे कितने घराने हैं जो जिंदगी माशरे के अंदर गुजार रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के असरात बताओ, उनके घरों में अगर बच्चे हैं, जवान होने वाले बच्चे और बच्चियाँ हैं, माँ बाप के इस इख्तलाफात से क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर, सोचो ज़रा आप, कितना बुरा असर पड़ेगा उनकी जिंदगियों के ऊपर। तो लिहाजा कहा गया कि आपस में एक दूसरे के ऊपर शको शुबा वाली नज़र मत रखो, बल्कि एक दूसरे के ऊपर यकीन वाली, क्योंकि ये दुनिया का सबसे मुकद्दस रिश्ता है, वो तुम्हारे अंदर पैदा होना चाहिए। आपको मालूम है सही मुस्लिम की रिवायत है कि इबलीस जो है रोज़ाना अपना तख्त समंदर के ऊपर बिछाता है, इबलीस अपना तख्त जो है समंदर के ऊपर बिछाता है, और समंदर पर बिछा करके इबलीस जो सबसे बड़ा सरगना सरदार है, वो अपने चेलों को, अपने वर्करों को ज़मीन में फैलाता है कि जाओ ज़मीन में लोगों के दरमियान, यानी गुनाह के काम, बुराई के काम, जितने भी बुरे काम हैं उन कामों को जा करके तुम अंजाम दो। और उस इबलीस को उनके भेजे हुए चेले जो हैं बाकायदा हर कोई आ करके रिपोर्ट करता है उसने दिन भर में क्या क्या काम किया, सब आकर के अपना अपना रिपोर्ट, अपनी कारिस्तानियाँ उनको सुनाता है। सब कोई कहता है कि मैंने फलां का कत्ल करवाया, कोई कहता है मैंने फलां की बुराई करवाई, कोई कहता है मैंने फलां गलत काम कराया, मैंने फलां किया फलां, ऐसे अपनी अपनी रिपोर्ट देता है। उसमें से एक शख्स, एक इबलीस का जो चेला आकर उसे कहता है कि मैंने आज मियाँ बीवी के दरमियान बदगुमानियाँ पैदा की, और वो बदगुमानी इतना बढ़ाया कि दोनों के दरमियान इख्तिलाफ हुए, इतना इख्तिलाफ बढ़ा कि दोनों के दरमियान जुदाई हो गई, यहाँ तक कि दोनों के दरमियान तलाक और खुला की नौबत आ गई। ऐसे शख्स को या ऐसे चेले को इबलीस क्या करता है, अपने गले से लगाता है और कहता है कि तुमने वाकई जिम्मेदारी अदा की। क्यों? क्योंकि एक घर के अंदर, एक फैमिली के अंदर अगर इस तरह का मामला होता है तो पूरा ख़ानदान मुतासिर होता है, दो ख़ानदान मुतासिर होता है, पूरा समाज मुतासिर होता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपस में कहा कि एक दूसरों से, यानी प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारो, एक दूसरे को एडजस्ट करने की कोशिश करो, एक दूसरे के ऊपर गुमानी का जो मामला है इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करो, यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त तालीमात दी है। और उसके बाद जो है तीसरी बात जो हमको और आपको इस अज़्दवाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए अज़हद ज़रूरी है, वो है सब्र,
برداشت اور کمپرمائز، یعنی بہت سارے معاملات کے اندر آپ کو صبر کرنا پڑے گا، بہت سارے معاملات کے اندر اگر آپ کے اندر زندگی نام ہی ہے صبر کا، بہت سارے مسائل اور بہت ساری چیز آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں آئیں گے، لیکن ان تمام حالات کے اندر صبر اگر ایک مرد کے اندر نہیں ہے، صبر ایک عورت کے اندر نہیں ہے، تو سمجھو کہ میاں بیوی کا زندگی کا جو ازدواجی زندگی ہے وہ سفر آگے نہیں بڑھ سکتا. صبر اور تحمل ضروری ہے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے پاکیزہ انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مثالی کوئی شوہر ہو سکتا ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی شوہر اور ایک بہترین شوہر ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کو دیکھیے غصہ کرنے، اور ان کی طبیعت اور ان کے جذبات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کا خیال کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا کہ عائشہ، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اس بات کو، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اس بات کو کہ تم کب خوش ہوتی ہو اور تم کب ناراض ہوتی ہو. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کب خوش ہوتی ہو اور تم کب ناراض ہوتی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جب خوش ہوتی ہو مجھ سے تو کیا کہتی ہو؟ کہتی ہو ایسی حالت میں جب تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو تم کہتے ہو ربی محمد. یعنی ربی محمد کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، یعنی میرے نام کے ذریعے سے تم رب کی قسم کھاتی ہو. اور جب تم اس سے ناراض ہوتی ہو، غصے کی حالت میں ہوتی ہو، تو اس وقت کیا کہتی ہو؟ ربی ابراہیم. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے رب کی، یعنی اس کا نام لے کر کے تم قسم کھاتی ہو. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے انسان ہونے کے باوجود زندگی کے اندر کس طرح سے آپسی معاملات اور گھریلو معاملات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرول کیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے ایک یعنی چوتھی بات یہ ہے کہ آج میاں بیوی کے جو معاملات جو بگڑتے ہیں اس کے اندر ایک بڑا رول ماں باپ کا رول ہے. میں صاف طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ماں باپ دیکھیے میاں بیوی کے درمیان کسی معاملے کو لے کر کے اختلافات ہو جائیں، ہوتے ہیں، جب نبی کے گھرانے میں چھوٹی موٹی چیزیں ہو سکتی ہیں تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ اب کسی معاملے میں اگر میاں بیوی کے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے، کچھ انتشارات ہو گئے، کچھ بھی ہو گئے، اگر بیٹی نے اپنے ماں باپ کو بتا دیا تو ماں باپ کی سمجھداری یہ ہے کہ اپنی بیٹی ہی کو سمجھائے، نہ کہ سمجھی اپنی بیٹی کی طرفداری میں داماد سے مقابلہ کرنے کے لیے آ جائیں. بہت سارے ماں باپ کیا ہے اور الٹا سمجھیے اس کے سپورٹ میں آ کر کے اور بہت ساری ایسی باتیں کر دیتے ہیں یا ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو مرد کے لیے ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے اور یہ معاملہ سمجھیے اور بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر کے گھر چھوڑ کے چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ مسجد نبوی میں جا کر کے سو گئے. دوپہر کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اس وقت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جس وقت میں عرب کے لوگ عام طور پہ اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے تھے قیلولہ کے ٹائم میں، دیکھتے ہیں حضرت علی نہیں ہے. اللہ کے رسول حالات اور ماحول کو دیکھ کے سمجھ گئے، کہاں حضرت فاطمہ سے کہ علی کہاں ہے. کہا کہ حضرت علی جو ہیں گھر چھوڑ کے چلے گئے مسجد نبوی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوال نہیں کیا، گئے حضرت علی کو مسجد نبوی سے اٹھایا. اسی وقت آپ نے کہا تھا قم یا ابا تراب، حضرت علی کے جسم پہ مٹی لگے ہوئے تھے، حضرت علی کو اٹھایا، ہاتھ پکڑ کر جا کر گھر میں چھوڑ کر کے آ گئے. نہ آپ نے یہ سوال کیا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، کسی بھی طرح کا کوئی سوال نہیں کیا. تو بسا اوقات ماں باپ کی خاموشی یہی ان کی بچی کی زندگی کے لیے بہتر ہوتا ہے اور یہی ان کی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے. میرے بھائیو، جہاں تک ہو سکے اس زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ طلاق اور خلا یہ وہ وبا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال تو کیا لیکن اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند کرتا ہے. اور سماج اور معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے ہونے والی اس ماں باپ کی آپسی غلطی کی وجہ سے اولاد کے اوپر کتنا برا اثر پڑتا ہے، یہ سوچو. اولاد کتنا سمجھے تڑپتی ہے، ترستی ہے، کیسی زندگی وہ گزارتی ہے، ذرا اس بات کا تو خیال رکھو. اور آپس میں اس طرح کے بات ہونے کے بعد زندگی ہماری کہاں جاتی ہے؟ تو میرے بھائیو، ان ساری باتوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ایک مثالی زندگی ہم گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں
کہ رب العالمین ہم کو آپ کو یعنی ازدواجی زندگی کو بہتر اور اچھا بنانے کے اللہ رب العالمین ہم کو آپ کو توفیق نصیب فرمائے اور اس معاملے میں شریعہ اور دینی جو بھی علوم ہے اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد میرے بھائیو آپ کے سامنے میں نے تقریباً چار پانچ پوائنٹ جو ہے اسی کے اوپر میں نے بات کیا اور اسی میں وقت مکمل ہونے کی وجہ سے اس موضوع کو اور مزید میں آگے نہیں لے جا سکا. تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو نوجوان ہیں یا جن کی شادیاں ہو چکی ہیں یا جو شادی شدہ ہونے والے ہیں اپنی زندگی کے اندر خاص کر کے ان تعلیمات کو ہم سمجھیں. یعنی ایک عورت اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کرے, ایک مرد اپنی بیوی کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کی طرف سے ہونے والی کمی بیشیوں کو یعنی برداشت کرے, صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے. جہاں شریعت اور دین کی مخالفت ہے اس معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں ہونی چاہیے, لیکن جہاں معمولی سی چیز ہے آج دیکھیں گے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سمجھیے اتنا بڑا ایشو کیا جاتا ہے جس کے لیے ایک مرد کی ناکامی یا ایک عورت کی ناکامی نظر آتا ہے ہم کو آپ کو دیکھنے میں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر میرے بھائیو مقدم رکھیں, اور ان تعلیمات کو اگر ہم مقدم رکھتے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم نہیں آئے گا. اگر ہم نے شرعی اعتبار سے شریعت کی ان تعلیمات کو مقدم نہیں رکھا تو یاد رکھو زندگی کے اندر بہت سارے ایسے پرابلمس آتے رہیں گے اور پھر زندگی کے اندر سمجھیے کہ ہم کو آپ کو بہت سارے چیلنج کا فیس کرنا پڑے گا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو دیندار ہو اور اس کی وجہ سے اس کا گھر بالکل جنت نما بن جائے, جس کی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایک اچھی عورت اس کی پہچان کیا ہے, خیر و متاع دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہا اس کی پہچان کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اپنے شوہر کو خوش کر دے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت دینی تربیت کرے. اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و ناموس کی وہ مکمل طور پر حفاظت کرے. یہ جن عورتوں کے اندر یہ صفات ہے یہ سمجھو کہ وہ سب سے بہترین عورت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سب سے بہترین مرد وہ ہے, خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے فیملی اپنے بیوی بچوں کے لیے ہو, اور اس میں میری مثال تمہارے لیے ہے کہ تم تمام میں میں سب سے زیادہ اچھا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے. آج بہت سارے لوگ جو ہیں باہر ان کا بڑا مقام ہوتا ہے, بڑا پہچان ہوتا ہے, بڑا شان ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں باہر ہوتی ہے, لیکن گھریلو زندگی کے اندر اس قدر پریشان ہوتے ہیں, اس قدر ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر گئے تو سکون نہیں, اطمینان نہیں, ہر وقت اختلافات, یعنی چین سے سو نہیں سکتے, چین سے تھوڑی دیر رہ نہیں سکتے. میرے بھائیو دنیا کے اندر باہر کا کتنا بڑا بھی ٹینشن ہو اگر انسان کو گھر میں سکون اطمینان میسر ہو تو تمام چیز کو فیس کر لیتا ہے, لیکن اگر باہر کتنا بھی سکون ہو گھر کے اندر اگر اطمینان اور سکون نہ ہو تو پورا سکون اور اطمینان انسان کا برباد ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیو ہم جہاں با اخلاق باہر لوگوں کے درمیان نظر آتے ہیں وہیں پر ہم کو با اخلاق اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی نظر آنا چاہیے. صرف عورت کی غلطی نہیں ہوتی ہے یا صرف مرد کی غلطی نہیں ہوتی ہے, کبھی کبھار عورت اپنی زبان کی بڑی تیز ہوتی ہے, کبھی کبھار مرد اپنی زبان کا بڑا تیز اور بڑا سمجھے یعنی خراب ہوتا ہے. اپنی زبان سے بھی بچوں کو گالی گلوچ دینا یہ بھی بہت بری عادت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے. تو لہذا ہم ان تمام باتوں کو خیال کرتے ہوئے ایک ایسا مثالی انسان بن کر کے زندگی گزارے, کیونکہ ان تمام چیزوں کے اثرات ہمارے اولاد اور ہمارے بچوں کے اوپر پڑتے ہیں. تو انہی ساری باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے کتاب و سنت کے حوالے سے اس میں سے جو بھی باتیں ہماری زندگی کے اندر خیر اور بھلائی لانے والی ہے ان باتوں کو اپنانے کے اللہ ہم کو توفیق نصیب فرما. آمین. میرے بھائیو
हर जुमा की तरह आज भी आपसे दरख्वास्त की जा रही है कि आप मस्जिद का ताउन करते हुए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला आपके दिव्य माल को कबूल फरमाए और बकिया माल में अल्लाह खैर बरकात अता फरमाए। और उसके साथ साथ मस्जिद के ऊपर मदरसे की तामीरात हो रही है, आप में से जो अहबाब ताउन करना चाहते हैं ज़िम्मेदारों से मिलकर अपना ताउन वहाँ तक पहुँचा दें। और उसके बाद कुछ दुआ की दरख्वास्त की गई मेरे भाइयों, एक छोटी बच्ची है, कम उम्र की बच्ची है, उसे शुगर का प्रॉब्लम हो गया है, आप तमाम से दिली दरख्वास्त की जा रही है कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उस बच्ची को उस बीमारी से शिफाए आजिला और कामिला नसीब फरमा दे। इसी तरह से एक खातून है जो कैंसर के आखिरी स्टेज में, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनके हक़ में खैर का मामला फरमाए। और इसी तरह से एक खातून है जो समझिए कि पैरालाइज हो गई थी, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उन्हें शिफाए आजिला कामिला नसीब फरमाए। अलगर्स जो भी बीमार है अल्लाह उन तमाम को शिफाए आबी नसीब फरमाए, और जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह तमाम की मगफरत फरमाए। आमीन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأهم وأكبر.